अपने बागी तेवर को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सांसद राजकुमार सैनी ने कैथल के पुंडरी में एक और चर्चित बयान दिया है। पुंडरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजकुमार सैनी ने 2019 विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग पार्टी बनाकर लड़ने का ऐलान तो किया ही। सैनी ने यह भी कहा कि वे ऐसे ऐसे लोगों को MLA बनाएंगे कि लोग सोचते रह जाएंगे। चलिए आपको सुनाते हैं कि सैनी ने आखिर क्या कहा। बिल्कुल 90 के 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा, इसमें कोई कंप्रोमाइज की मैं गुंजाइश इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मेरे पास छोटे छोटे कार्यकर्ता आपके बीच में बैठे हैं। कुशलपाल भाई बैठा है, ये गोलन साहब बैठे हैं, बलकार जी इधर, मांडी जी बैठे हैं। ऐसे ऐसे MLA बनाऊंगा, लोग सोचेंगे, लोग डरना मत। मैं सभी भाइयों से आपके मीडिया के सामने अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह केजरीवाल ने जो है ना तो बिगाट पर बड़े 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 संगठन और बड़ी बड़ी पार्टियां तो का सूखनी पा रखी है। सैनी ने अपने बयानों में ज्यादातर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी आपकी तरह दोगरी राजनीति नहीं करेगी। सैनी ने आम लोगों में से ही सांसद और विधायक प्रत्याशी बनाने की बात कही, लेकिन अब देखना यह होगा कि हरियाणा की जनता सैनी के प्रत्याशियों को कितना समर्थन देती है। पुंडरी से अतुल गोयल, पंजाब केसरी TV।